हे स्टार्स, क्या कर रहे हो आप सब। सो गाइस, आज हम आ चुके हैं फिर से रॉयल्टी गेमर के साथ। सो यहाँ पर हम 8bit के साथ आए हैं और आप नहीं जान पा रहे हैं कि भाई ये क्या हो क्या रहा है। तो भाई हमने शुरू किया था 1v1 सीरीज, जिसमें आप हमें चैलेंज करने वाले हैं। सो यहाँ पर हम हमारा थर्ड बैटल लड़ रहे हैं यहाँ पर RG रॉयल्टी गेमर के साथ। ओके गाइस, आई होप सब कुछ अच्छा ही हो, क्योंकि अच्छा ही सब कुछ चल रहा है। और अभी मैं कॉर्नर पे चला जाता हूँ, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस होगा यहाँ पर। ओके गाइस, तो यहाँ पर वो फिर से आ चुके हैं। सो उनका अल्टीमेट यहाँ पर ओपन है, सो दैट हमें यहाँ पर बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। ओ भाई सब बहुत ही अच्छा यहाँ पर गैजेट को यूज़ किया हुआ है उन्होंने। ओके मे बी फिर से वही ट्रिक, बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये। सो दैट यहाँ पर फिर से वो आने वाले हैं शायद। मे बी भाव उड़कर नहीं आएंगे। हाँ दोस्तों, क्योंकि 8bit के आगे उड़कर आना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। सो हम यहाँ पर उड़ के सीधा उनके ऊपर जाने वाले हैं। सो दैट ओ भाई साहब, एक भी अल्टीमेट लग जाएगा ना तो गया। ओ भाई साहब बच गए। ओके दैट वॉज रियली क्लोज गाइस। ओके गाइस, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बट स्टिल आई डोंट नो व्हाट विल हैपन गाइस। ओके फिर से वही। सो अभी हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी वो हमें मार भी देंगे तो भी हमें, मतलब हमारा लीड बरकरार भी रहने वाला है। सो दैट अभी हम टेलीपोर्ट होने वाले हैं गाइस, बहुत ही कूल ट्रिक है और मैं इसे यूज़ भी करने वाला था। सो दैट गाइस, अभी एक भी चांस नहीं है कि वो पहला राउंड जीत पाएंगे। सो पहले 5 राउंड में से हमने फर्स्ट राउंड को जीत लिया यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से। ओके गाइस, सो लेट मी सी गाइस कि अभी मैं क्या लेने वाला हूँ। सो मैं ढूंढ रहा हूँ ब्रॉक को, मे बी ब्रॉक। ओके गाइस, क्या लूँ क्या, अभी मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ। ब्रॉक को अभी इस्तेमाल करना सही नहीं होगा। सो दैट हम अभी इस्तेमाल करते हैं, हाँ भाई बो को इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। हाँ दोस्तों, तो ओके गाइस, सो यहाँ पर रेडी हैं हम। सो दैट रॉयल्टी गेमर भी यहाँ पर बहुत ही जल्दी रेडी हो चुके हैं। सो वो आए हैं पेनी के साथ। तो ये मैच बहुत ही ज़्यादा लिटरली ओपी होने वाला है। सो यहाँ पर हम ब्रॉक को फाइनल बैटल में यूज़ करने वाले हैं। वो भाई साहब ऑलमोस्ट उन्होंने मार ही दिया था मुझे। सो मे बी वो फिर से उड़कर आने वाले हैं। हाँ मैं जानता था गाइस। ओ भाई ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ओके मैंने पहले एक स्ट्रैटेजी सोच रखी है, मे बी वो काम कर जाए, लेकिन उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि वो अभी बैटल फील्ड में है तो शायद वो मेरे ट्रिक को देख लेंगे। ओके उन्होंने अपना कैनन स्पॉन करवा दिया है। सो दैट उससे पहले मुझे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने मेरा पिछला, ओ भाई साहब उन्होंने खुद ब खुद ही तोड़ दिया। आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लेना। आखिरी मोमेंट में उस कैनन ने मुझे बहुत ही बुरा मारा था। ओके गाइस, ओ भाई साहब, ओ भाई बच गया। सो मे बी वो इस ट्रिक को नहीं देख पाए हैं। हाँ भाई वो बीच में नहीं आ रहे, मे बी वो देख चुके हैं कि बीच में 3 माइंस अभी भी पड़े हुए हैं। सो मे बी उन्होंने देख लिया है। ओके अभी वो उड़कर आएंगे तो भाई मेरे लिए 4 चांद लग जाएंगे। मे बी उड़कर आएंगे। ओ भाई साहब मेरा स्पॉन रीजन थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा, मतलब गलत हो गया था। ओके बच गया अभी हम, उसके कैनन को मुझे मारना ही पड़ेगा। ओ भाई साहब अभी जाकर काम किया और वो भी बहुत ही बुरा। हाँ दोस्तों, ओ भाई साहब उस आखिरी किल के वजह से हमारा लीड बच गया। सो दैट हम इस बार 12 सेकंड को बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंस करने वाले हैं। सो गया गाइस। ओ भाई साहब वो फिर से स्टॉन हो गए वहाँ पर। ओ भाई साहब बनी बनाई उनका सारा खेल यहाँ पर बिगड़ चुका है।
सो दैट फिर भी हमने दूसरा मैच भी बहुत ही अच्छी तरीके से जीत लिया है और अपकमिंग 3 राउंड्स में भी उन्हें जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो वो इस राउंड को हार जाएंगे। सो हम ड्रॉ को इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पर हम स्टार पावर को चेंज कर लेते हैं। ओके गाइस, सो हम यहाँ पर फुल्ली रेडी है और प्रिपेयर्ड भी। सो गाइस यहाँ पर रॉयल डी के मैंने चूज़ किया हुआ है कोल्ड को। ओके दैट विल बी रियली ग्रेट गाइस। हम कोल्ड को एक कॉर्नर में धकेलने की कोशिश करेंगे पहले, और ब्रॉक को इस्तेमाल करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ओपी होता है क्योंकि ब्रॉक मुझे हर एक मैच में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और सो गाइस अगले मैच में मैं कुछ अलग ही ट्राई करने वाला हूँ। मे बी मैं कुछ नए ब्रॉलर्स यूज़ करूँ जो मैं यूजली इस 1v1 चैलेंज में यूज़ नहीं करता हूँ। सो आई होप सब कुछ अच्छा हो ब्रॉक के बिना, क्योंकि ब्रॉक को मैं तो दोनों ही मैचेस में यूज किया हुआ है। आपने नहीं देखा है तो पिछले दोनों मैचेस तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए। ओ भाई साहब, बातों बातों में वो लगता है उड़कर आएंगे कन्फर्म। हाँ दोस्तों, जानता था, और हमारा निशाना भी बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। उन्होंने यहाँ पर गैजेट का इस्तेमाल किया है और बच गए। ओ भाई साहब बच गए, ओ भाई फिर से बच गए। सो यहाँ पर हमें उड़ना ही पड़ेगा। भाई साहब गैजेट का भी इस्तेमाल नहीं करने दिया, बीच में स्पॉन होंगे। हाँ दोस्तों मैं जानता था, और ओ भाई साहब दैट वॉज रियली ओपी गाइस। ओ भाई साहब, ओके सो यहाँ पर गाइस व्हाट वाज दैट गाइस, बहुत ही ज्यादा ओपी था। ओ भाई साहब फिर से। सो अभी तो कंफर्म इस मैच को हम जीत चुके हैं और 1v1 चैलेंज को भी। सो गाइस मे बी यहाँ पर ओके। ओ गाइस तो फाइनली हमने इस मैच को जीत लिया है। और हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेव करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो अगला मैच कल होने वाला है गाइस।